फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ हीट एक्सचेंजर। फ्रेंड, आज हीट एक्सचेंजर के सेकेंड लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हीट एक्सचेंजर्स को हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसमें जो लिक्विड है वो हमारा किस डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड के डायरेक्शन के बेसिस पे हमने उसको तीन डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया था। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम हीट एक्सचेंजर्स का क्लासिफिकेशन अदर टाइप से देखेंगे। पहला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें दो हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड के कॉन्टेक्ट के बेसिस पे हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एंड आफ्टर दैट कि हीट एक्सचेंजर्स के यूजेस के हिसाब से उसको अलग अलग नॉमेनक्लेचर दिया जाता है जिससे काफी लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो वो सारे डाउट्स हम आज क्लियर करेंगे अपने हीट एक्सचेंजर के सेकंड लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप में से जिसको भी मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हीट एक्सचेंजर को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस कि हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली दो तरीके से हमारे हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर और सेकेंड वन होता है हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर। सो फ्रेंड्स, इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कन्फर्म करता हूँ। अगर हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं तो इसका फ्रेंड सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मेरा कूलिंग टावर, बिकॉज कूलिंग टावर के केस में आपका क्या होता है, हॉट वाटर और एयर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कूलिंग टावर। इस फ्रेंड इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, यहां से आपका हॉट वाटर जो है वो आपके सिस्टम में एंटर कर रहा है। ये देखिए, ये हॉट वाटर आपका एंटर हुआ और ये नोजल से स्प्रे हुआ। जो आपकी एयर है ये एयर, ये आपकी फिन्स लगी हुई है नीचे, इन फिन्स से आपकी एयर एंटर करती है और ये जोन देखिए फ्रेंड्स, इस जोन में आपका हॉट एयर, आपका एयर और हॉट वाटर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके बेस में उनके बीच में हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों चीजें होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो हॉट वाटर है वो ठंडा हो जाता है और जो एयर है वो एयर आपकी गर्म होती है और कुछ वेपर्स को अपने साथ में लेके चली जाती है, कुछ पानी को अपने साथ में वो कैरी ओवर करती है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस कूलिंग टावर में मैं आपको ये कंफर्म करना चाह रहा हूं कि आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, इस केस में आपका एयर और हॉट वाटर के कांटेक्ट के बीच में कोई भी तीसरा सरफेस नहीं आता है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स इस केस को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं हीट आपका कूलिंग टावर के बीच में के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आगे होने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं कूलिंग टावर को काफी डिटेल वे में कवर करूंगा। सर, बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर्स की। सो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर में आप ये देखिए, एक फ्लूड जो है वो आपका, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ट्यूब है, एक फ्लूड आपका बेसिकली केवल ट्यूब साइड में मूव कर रहा है और जो आपका दूसरा फ्लूड है फ्रेंड्स वो देखिए, वो दूसरा फ्लूड आपका खाली सेल साइड में मूव कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक फ्लूड है, यहां से गया और मेरे पॉइंटर को देखिएगा और ये यहां से निकल गया, जबकि फ्रेंड्स आप दूसरा फ्लूड देखिए तो दूसरा फ्लूड आपका यहां से एंटर किया और इसका मूवमेंट ये देखिए इस तरीके से, इसका मूवमेंट एक साइन वेव के जैसे है और ये यहां से एग्जिट किया। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो कहीं पे भी इन दोनों के बीच में, बिकॉज अंदर वाला आपका सेल्स आपका ट्यूब्स में मूव कर रहा है और बाहर वाला आपका फ्लूइड सेल में मूव कर रहा है, तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर के केस में हमेशा याद रखिएगा कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में कभी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, उसके बीच में एक ना एक सर्फेस होता है। लाइक इस केस में आप देखेंगे तो इनके बीच में ये ट्यूब्स है, बिकॉज कोल्ड फ्लूइड आपका ट्यूब के अंदर है तो हॉट फ्लूइड आपका ट्यूब के बाहर है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर बेसिकली वो हीट एक्सचेंजर्स को हम बोलते हैं जहां पे आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मेरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फंक्शन इट प्लेस, लाइक आपका जो पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर है वो किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है उसके बेस पे हम उसको अलग अलग नाम से क्लासिफाई करते हैं। लाइक हीट एक्सचेंजर को ही बेसिकली हम कूलर बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर को ही हम कंडेंसर बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर ही मेरा चिलर के नाम से जाना जाता है, हीट एक्सचेंजर को बेसिकली हम एक्सचेंजर भी बोलते हैं, हीटर भी बोलते हैं, रिबॉलर भी बोलते हैं और इवेपोरेटर भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे की आने वाली स्लाइड में मैं बेसिकली आपको ये चीज कंफर्म करूंगा कि हीट एक्सचेंजर का बेसिकली अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन, कूलर, कंडेंसर, चिलर, उसका बेसिस क्या होता है और सेम हीट एक्सचेंजर को हम अलग अलग नाम क्यों देते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कूलर की। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक जो कूलर होता है इसमें क्या होता है, आपका कूलर का काम ये रहता है, जो भी आपका प्रोसेस फ्लूइड है उसको कूल करने के लिए जो बेसिकली वो मीडियम यूज करता है वो या तो एयर होती है या फिर आपका वाटर होता है। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, याद रखिएगा कि कूलर के केस में जब भी किसी हीट एक्सचेंजर को हम कूलर नाम देते हैं तो याद रखिएगा वहां पे कूलिंग करने के लिए बेसिकली जो मेरा मीडिया होता है, कूलिंग मीडिया, वो या तो मेरा एयर होता है या फिर वाटर होता है। और फ्रेंड्स इस केस में याद रखिएगा हमेशा रिमूवल ऑफ सेंसिबल हीट होती है, जो भी हमारा प्रोसेस फ्लूइड है वो अपनी सेंसिबल हीट रिलीज करता है। फ्रेंड्स दोबारा समझिए, पहला कि आपका जो भी हीट ट्रांसफर होता है, आपका जो प्रोसेस फ्लूइड होता है वो या तो एयर होता है या फिर आपका नॉर्मल वाटर होता है, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो बेसिकली सेंसिबल हीट होती है। फ्रेंड्स दो तरीके की हीट होती है, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। एक होता है आपका सेंसिबल हीट, एक होता है आपका लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट बेसिकली फ्रेंड्स वो हीट होती है जो जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको देनी पड़ती है। मीन्स अगर कोई लिक्विड है जो 20 डिग्री पे, अगर आपको उसको 40 डिग्री या 50 डिग्री तक लेके जाना है जिसमें उसका फेज चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स वो लिक्विड से आपका वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, उस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। और फ्रेंड्स अगर कभी मेरे को फेज चेंज हो रहा है तो फेज चेंज के टाइम जो हीट मेरे को देनी पड़ती है वो होती है मेरी लेटेंट हीट। सो फ्रेंड्स आगे के टॉपिक्स में मैं इसके बारे में डिटेल में कवर करूंगा। सो जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बताया है कि सेंसिबल हीट आपकी वो हीट होती है जो आपको लिक्विड की एक ही स्टेट में एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक जाने के लिए देनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडेंसर की। हीट एक्सचेंजर को कंडेंसर तब कहा जाता है जब उसका काम हो एक वेपर या फिर वेपर्स के मिक्सचर को कंडेंस करने के लिए जब उसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स हीट एक्सचेंजर का यूज दोबारा सुनिए, जब आपका या तो वेपर या फिर वेपर मिक्सचर को कंडेंस करने के लिए किया जाता है तो हम उसको कंडेंसर बोलते हैं। और फ्रेंड्स इस केस में लेटेंट हीट आपकी जो प्रोसेस फ्लूइड की होती है उसे रिमूव की जाती है। फ्रेंड्स इस केस में हम जो भी हमारा प्रोसेस फ्लूइड है उसकी लेटेंट हीट को रिमूव करते हैं। लेटेंट हीट मैंने आपको बताया जो आपकी फेज चेंज होती है, बिकॉज यहाँ पे मेरे वेपर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया टू कंडेंस वेपर और वेपर मिक्सचर, तो वेपर्स को मैं कंडेंस करके आपका लिक्विड स्टेट में लाऊंगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे बात की है रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट फ्रॉम द प्रोसेस फ्लूइड। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं चिलर की। फ्रेंड एक हीट एक्सचेंजर को बेसिकली हम चिलर तब बोलते हैं जब इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोसेस फ्लूइड होता है इसको हम उस टेम्परेचर तक लेके जाते हैं जिस टेम्परेचर को हम वाटर एज अ कूलिंग मीडिया से नहीं पहुंचा पाते हैं। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी हम किसी हीट एक्सचेंजर को चिलर तब बोलते हैं जब हम उसमें जो भी कूलिंग वाटर से जाने वाले टेम्परेचर्स होते हैं, जब हम उससे बिलो टेम्परेचर्स पे किसी भी लिक्विड को लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं, उस हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं एज अ चिलर वो काम कर रहा है। और बेसिकली चिलिंग के लिए हम जो यूज करते हैं वो होती है मेरी गैसेज होती है लाइक अमोनिया या फिर फेरॉन टाइप की हम गैसेज यूज करते हैं। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूँ, हीट एक्सचेंजर को हम चिलर तब बोलते हैं जब उसमें हम कूलिंग वाटर से जो टेम्परेचर अचीव कर सके उससे बिलो टेम्परेचर पे हम लेके जाते हैं तो हमारा वो एज ए चिलर वर्क करता है। नाउ फ्रेंड्स हीट एक्सचेंजर एज ए हीट एक्सचेंजर कब जाना जाता है, जब फ्रेंड्स वो एक नॉर्मल काम करता है कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के बीच में आपका नॉर्मल हीट चेंज करने के लिए, मीन्स यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वो नहीं रहता है, आपका नॉर्मल हीट एक्सचेंज हो रही है, हॉट वाला आपका ठंडा हो रहा है, ठंडा वाला आपका गर्म हो रहा है, देन हम हीट एक्सचेंजर को बेसिकली एक एक्सचेंजर बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं हीटर। फ्रेंड्स हीट एक हीट एक्सचेंजर को हीटर तब बोलते हैं जब ये क्या करता है, सेंसिबल हीट जो है वो प्रोसेस को देता है। फ्रेंड्स दोबारा सुनिए, आपका जब भी कभी भी अगर आपकी सेंसिबल हीट आपके जो प्रोसेस फ्लूइड को दी जाती है कहीं पे तो वहां पे हम उसको बोलते हैं हीटर। इसमें बेसिकली हम कंडेंसिंग स्टीम या फिर कंडेंसेट को यूज करते हैं जो अपनी एनर्जी को बेसिकली अंदर प्रोसेस फ्लूइड को ट्रांसफर करता है और खुद कंडेंस होता है। सो फ्रेंड्स दोबारा बोलता हूं आपसे, कंडेंसिंग स्टीम या फिर स्टीम कंडेंसेट को जहां पे हम यूज करते हैं हीटिंग के लिए वहां पे बेसिकली उसको हम बोलते हैं हीटर। और इस केस में हम सेंसिबल हीट जो भी होती है मेरे प्रोसेस फ्लूइड की, मतलब जस्ट उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट फेज चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में हम उसको एज अ हीटर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं एज अ रिबॉलर। फ्रेंड्स रिबॉलर एक वेल नोन एग्जाम्पल है, कभी भी एक हीट एक्सचेंजर को जब हम डिस्टिलेशन टावर में यूज करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं एज अ रिबॉयलर।
बिकॉज यहाँ पे इसका बेसिकली काम होता है आपका डिस्टिलेशन टावर के बॉटम में यूज किया जाता है, और इसका काम होता है लेटेंट हीट डिस्टिलेशन टावर में, जो भी मेरे को लिक्विड को बॉल ऑफ करने के लिए जो भी हीट प्रोवाइड करनी है ये उसको ट्रांसफर करने में मेरी हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स वहां पे हम इसको नाम देते हैं एज अ रिबॉयलर। नाउ फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर करते हैं एज अ इवेपोरेटर। सो फ्रेंड्स याद रखिए हीट एक्सचेंजर को हम इवेपोरेटर तब बोलते हैं व्हेन इट इज यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब फ्रेंड्स किसी हीट एक्सचेंजर को बेसिकली हम उससे खाली वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं और जो भी मेरा उसका अंदर मटेरियल है उसको हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तब हम उसे एज ए इवेपोरेटर नोमेनक्लेचर देते हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको हीट एक्सचेंजर्स के डिफरेंट तरीके के नोमेनक्लेचर्स के बारे में कंफर्मेशन हो गया होगा, बिकॉज हीट एक्सचेंजर आपका सेम है बट डिपेंडिंग ऑन द नीड कि हम उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम उसको अलग अलग तरीके के नाम देते हैं, लाइक कहीं हमने चिलर बोल दिया, कहीं कंडेंसर बोल दिया, कहीं हीटर बोल दिया, कहीं इवेपोरेटर बोल दिया। सो फ्रेंड्स होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम इसको अलग अलग नोमेनक्लेचर से क्यों जानते हैं, बिकॉज चीज तो हीट एक्सचेंजर काम है उसका हीट एक्सचेंज करना। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से याद कीजिएगा कि सेम अप्रैक्टिस को हम अलग अलग तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। सो फ्रेंड्स आपको हीट एक्सचेंजर का आज के क्लासिफिकेशन कंफर्म हो गए होंगे, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन किया डिपेंडिंग ऑन द आपका डिपेंडिंग ऑन कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में कॉन्टेक्ट कैसा है, एंड द सेकेंड वन डिपेंडिंग ऑन हम उसे यूज किस तरीके से कर रहे हैं, लाइक किस पर्पज से हम उसे यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं कवर करूंगा हीट एक्सचेंजर्स क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, बेसिस ऑन देयर डिजाइन, जिसमें बेसिकली होगा आपका सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर एंड अदर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।